घर में सुख शांति बनाए रखनी है तो महिलाएं ना करें ये गलतियां। कई बार घर की महिलाएं ना चाहकर भी कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिसका सीधा असर घर की सुख शांति पर पड़ता है। आइए जानें क्या है वो गलतियां और इससे बचे कैसे। कहा जाता है कि किसी भी घर की प्रगति के लिए उस घर की महिला ही जिम्मेदार होती है। महिलाओं की तुलना माँ लक्ष्मी से की जाती है क्योंकि घर में उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार महिलाओं से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो घर की सुख शांति को नष्ट कर देती है। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, घर की सफाई ना रखना। घर की साफ सफाई महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। कई बार महिलाएं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा नहीं पाती हैं और घर में गंदगी इकट्ठा होने लगती है। घर में जगह जगह पर जाले लग जाते हैं या फिर घर के कोने में कूड़ा इकट्ठा होता है। ऐसा करने से घर की शांति भंग होने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। महिलाओं को चाहिए कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए रोज साफ करें और जाले ना लगने दें। नंबर 2, बिना स्नान किचन में प्रवेश। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में महिलाओं को सुबह किचन में प्रवेश करते समय यह ध्यान नहीं होता कि किचन में प्रवेश करने से पूर्व स्नान कर ले। कहा जाता है कि किचन मंदिर के समान होता है, इसलिए खाना बनाने से पूर्व स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा ना करने से अशुद्ध भोजन बनता है और घर के सदस्यों का भी अशुद्ध मन होने लगता है जिससे घर की सुख शांति नष्ट होने लगती है। हमेशा सुबह उठकर प्रथम स्नान आदि करके ही किचन में प्रवेश करें। ऐसा करना घर की प्रगति के लिए अच्छा होता है। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन हानि होती है क्योंकि सूर्यास्त के समय लक्ष्मी जी घर में विराजमान होती हैं और झाड़ू लगाने से वो घर के बाहर चली जाती हैं। यदि किसी वजह से झाड़ू लगानी भी पड़े तो कूड़ा घर से बाहर ना निकालें। नंबर 4, बालों का गुच्छा इधर उधर फेंकना। महिलाओं की खास आदत होती है कि वो कंघी करके बालों का गुच्छा कहीं भी फेंक देती हैं और बाल पूरे घर में इधर उधर रहते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति में कमी तो आती ही है, साथ ही धन की भी हानि होती है। नंबर 5, सुबह शाम दीपक ना प्रज्वलित करना। आजकल की महिलाएं अपनी दैनिक क्रियाओं में इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि ईश्वर का ध्यान भी नहीं करती है और सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक भी नहीं प्रज्वलित करती हैं। ऐसा करना उनके संपूर्ण परिवार के लिए अत्यंत कष्टदायक साबित होता है। महिलाओं को घर में सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए और भगवान का पूजन करनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आती है। नंबर 6, खाना बनाने के बाद गैस साफ ना करना। महिलाएं जल्दबाजी में खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा साफ करना भूल जाती हैं और गंदे गैस में ही दोबारा खाना बना लेती हैं। ऐसा करने से खाने की शुद्धता नष्ट होती है, साथ ही घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। यदि आप भी ऐसी कोई गलती करती हैं तो घर की सुख शांति के लिए आपकी ये आदतें आज ही बदल दे, क्योंकि घर की उन्नति की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें एवं इसी तरह के अन्य टिप्स सुनने के लिए जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।